Now I am going to start our GK session. We have discussed already four continents on our previous sessions. Now today we are going to start America. Okay, amongst North America. First of all, I would like to tell you about there are 23 countries in North America. So I would like to tell you that it is the third largest continent among all continents. Number one, the largest continent is Asia. Number two is Africa, and the third one is North America. Got it? Now, when we are talking about more North America, so I would like to tell you Lake Superior. Okay, हमें पता है कि lakes होती हैं, सही है? तो Lake Superior is the largest lake among the world. Okay. Lakes, सही है, फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जो हम इजीली ड्रिंक कर सकते हैं. सी वाटर की तरह नहीं होता जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स हो. ओके, सो जब अगर आपकी टीचर आपसे पूछेगी कि लेक सुपीरियर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यू कैन से टू मी टीचर इट इज द लार्जेस्ट लेक अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूएस एंड कैनेडा. Okay, now I would like to tell you about the most popular attraction of North America. I know everyone has listened about Disneyland, and even though some of you like Disneyland as well as you know about the Mickey Mouse, which are relating to Disneyland, is situated in California, US. Okay, in your upcoming picture you are watching Lake Winkler. Ye duniya ki largest fresh water lake hai, aur iska Superior. Now Niagara Fall is the most popular attraction of North America. Got it, bachcho? So one more thing I want to discuss with you about indigenous tribes are those tribes which have different way of living, which okay. Now beta, I am moving toward Oceania. Before I want to discuss about Oceania, I want to tell you there is a conflict between whether it is Oceania and whether it is called Australia. Okay, hame kahin kahin abhi bhi Australia nazar aata hai, साथ साथ हमें ओशिनिया भी नजर आता है. इसके बीच में बहुत से जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके दरमियान फाइटिंग हो रही है, वेदर वी हैव टू से ओशिनिया, वेदर वी हैव टू से ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू मोर अबाउट ओशिनिया. सही है, इट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग ऑल कॉन्टिनेंट. ये तमाम कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. ओके, वन मोर फीचर आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू दैट दिस कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ 17 आइलैंड्स. जैसे कि आपके टीचर ने आपको बताया था ना, व्हाट इज आइलैंड? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड.
आइलैंड वो चीज होती है कि जमीन का एक हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उससे हम आइलैंड कहते हैं। सही है। तो ये जो ओशिनिया है ना, इसमें 17 आइलैंड्स है। सही है। और ये पूरा का पूरा एक आइलैंड कॉन्टिनेंट होता है, और साथ साथ इसके अंदर जितने भी कंट्रीज है ना, वो बजाहिर खुद आइलैंड है। जिनके अंदर मेन आइलैंड जो आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जिसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीनिया एंड अदर 15 आइलैंड्स। ओके, हम सब ने एक कंट्री का नाम बेहद ज्यादा सुना हुआ है जिसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। सही है, हम सब ने ऑस्ट्रेलिया सुना हुआ है ना, गिव मी थम्स अप। ऑस्ट्रेलिया का नाम हम सब ने सुना है ना बेटा। व्हाई आर यू लिंग दानियल, प्लीज सिट, दानियल प्लीज सिट। ओके मरियम, ओके हम सब ने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना हुआ है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट की जब हम बात करेंगे, सो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ओवर देयर। ओशिनिया में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। वन मोर थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट कम्स इन आवर माइंड, हमारे जहन में क्या चीज आती है जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं? एनीवन Please raise your hand if you know when we talking about Australia, what comes in our mind? हमारे ज़हन में क्या आता है? If you know the answer, raise the hand. Okay, now I am right now unable to unmute you. Please write on chat room. I didn't receive anything, Mariam, kindly write on chat room if you know the answer. What comes in our mind? Okay, let me tell you what comes in our mind, that is kangaroo. सही है, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं kangaroo. क्यों? क्योंकि this is the home of kangaroo. As well as one more thing also comes in our mind, that is cola, isn't it? Cola beer bhi hamare zehen mein aata hai jab bhi hum Australia ki baat karte hain. Australia ka capital city hai Sydney, sahi hai? Sydney bhi ek cheez ki wajah se behad mashhoor hai, aur wo cheez kya hai? Opera House. Look at your screen. Look at your screen. This is Opera House. The Opera House is situated in Sydney, Australia. Got it? So, if anyone asks you about what is Oceania, so you have to say about this is the smallest continent. Okay? You have to say this is the home of kangaroo. Okay? This is the home of polar. And Australia itself is an island. Okay. Now we are moving towards the last continent. Okay. And the last continent is Antarctica. Okay. The last continent is Antarctica. Can anyone tell me? Or I think you are unable to tell, but you have to write on chat room. एंटार्क्टिका क्या है? क्या किसी के जहन में आता है कुछ कि एंटार्क्टिका कौन सा प्लेस है? प्लीज राइट ऑन चैट रूम, व्हाट इज एंटार्क्टिका? कैन एनीवन टेल मी? ओके, आई डिडंट रिसीव एनी मैसेज, सो लेट मी टेल यू. Okay, let me tell you about Antarctica. Antarctica is the driest, windiest, emptiest, coldest place on earth. Antarctica mein beta sabse zyada dryness hoti hai, sabse zyada tez hawaein chal rahi hoti hain. Ye wahid continent hai jahan par
नंबर ऑफ पीपल बहुत ही कम है, यहाँ पर नॉर्मली लोग रहते नहीं हैं क्योंकि यहाँ जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें रहने के लिए क्या चाहिए होती है, मॉडरेट, हमें विंड्स चाहिए होती हैं, हमें वाटर चाहिए होता है, लेकिन ये तो ड्राइएस्ट प्लेस है, हमें रहने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें हमारी बॉडी एडजस्ट कर सके नॉर्मल टेम्परेचर, पर ये तो द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, तो हाउ कुड ह्यूमन बींग लिव। सो नॉर्मली एंटार्क्टिका में कोई भी नहीं रहता, लेकिन वहां पर मैनी ऑफ टाइम साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च करने, सही है, वहां पर वो अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं और वहां ऑलरेडी कुछ बने भी होते होंगे तो वहां पर वो जाकर रह जाते हैं। लेट मी टेल यू मोर अबाउट एंटार्क्टिका, इट कंटेन्स नियरली 70% आर्टिका के पास है दुनिया में, आइस है टीचर। हेलो टीचर, बातें कर रही हूँ। बातें कर लो, अच्छी अच्छा हमें टाइम देकर गई है। मैं सभी भी इस क्लास में है। शट अप, शट अप, तुम लोगों को हमसे ही मतलब है। ठीक है, have you understood today's topic? Okay, give me your feedback by giving me big smile and thumbs up. Kindly give me your feedback. Okay, ek baat kal aapko hui hai regarding continents, to mere bachcho bahut acche se jo YouTube channel par video upload hui bhi hai use dekhiye, sahi hai। फिर हम इंशाल्लाह कल ही जीके की क्लास में एक क्विज लेंगे, सही है, यही आपका होमवर्क होगा। और मैथ में भी मैं आपको एक होमवर्क असाइन कर रही हूँ, काइंडली गो थ्रू यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर एंड प्लीज सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। लेट मी कंक्लूड माय सेशन, इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। Tata, bye bye, love you.